मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी के एम्स में भर्ती बस हादसे में घायल लोगों से बुधवार दोपहर मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने घायल और उनके स्वजन से हालचाल भी पूछा। मुख्यमंत्री ने एम्स के डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए निर्देशित भी किया। एम्स में पहुंचे मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कंपनी ने मृतक के स्वजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है, साथ ही मृतकों के स्वजन को नौकरी दी जाएगी। घायलों के इलाज का खर्च कंपनी और राज्य सरकार वहन करेगी। मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति न हो, इस पर विचार किया जाएगा। कल कुम्हारी के पास जो बस दुर्घटना हुई, दुर्घटना बहुत दुखद है, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और उतने ही घायल हैं। और एम्स में 10 पेशेंट एडमिट हैं, जिसको देखने हम स्वयं आए हैं। और जैसे ही इस घटना का पता चला, वैसे ही पूरा प्रशासन, वहां कलेक्टर एसपी सब पहुंच गए। और कल रात में यहां एम्स में हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए और पूरी तरह से हम लोग चिंतित हैं और इस घटना के प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी संवेदना व्यक्त की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी संवेदना व्यक्त किए हैं और पूरी तरह से हम लोग भी सतर्क हैं और बेहतर से बेहतर इनका इलाज हो, ये हॉस्पिटल एम्स को भी निर्देशित किए हैं और बेहतर इलाज हो भी रहा है। अभी 10 पेशेंट को देखे हैं, जिसमें 2 पेशेंट, जिसमें से एक ज्यादा उनकी स्थिति क्रिटिकल है, बाकी ठीक हैं और सबका समुचित इलाज होगा, इसका निर्देश दिया जा चुका है। देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपया कंपनी दे रहा है और मृतक परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दे रहा है और जो इलाज यहां बेहतर होगा उसका भी कंपनी और सरकार वहन करेगी। इसके लिए न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कोई भी दोषीदार इसमें बख्शा नहीं जाएगा और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर भी विचार किया जाएगा।